बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेहमान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम जाएँ और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और सुनाए अब रखे से। शुक्रिया अल्लाह पाक, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त तैयार कर लें तो बनाने लगी हूँ खाना। आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया और सालन बनाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी तो रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए भी चलते हैं किचन में, करते हैं अपना काम शुरू। तो मैं बनाने लगी हूँ आज कढ़ी, तो दिखाती हूँ आपको सामान। ये माशाल्लाह से दही है आधा किलो के करीब और ये बेसन है, मैंने छान लिया आधा किलो, तीन पाव के करीब ये दही है, वो है बेसन जिसमें से एक मग्गा मैंने भर के निकाल लिया। और ये है पानी और ये है पाउडर मसाले, आप देख सकते हैं। एक बड़ा चम्मच सूख मिर्च का, दो पिंच हल्दी और एक बड़ा चम्मच भर के खुश धनिए का और नमक डाल दूँगी अभी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहले डाल देते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको पानी डाल के ना ये भी डाल देती हूँ और साथ में इसको फेंट लेती हूँ दही को, इसको फेंट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो नमक एक चम्मच डाल दिया मैंने और दही के अंदर पाउडर मसाले मिला दिए और ये पानी में मिला दिया मैंने बेसन। ये ना मग्गा, डेढ़ मग्गा भर के, ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल देते हैं एक चम्मच भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जला दिया पूरी माशाल्लाह पर रख लिए, इसको हिलाती रहूँगी जब तक बॉयल नहीं आएगा, इसको हिलाना, बॉयल आ जाएगा फिर हल्की आँच पे रख दूँगी। कढ़ी में बॉयल आ चुका है, अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ इस चूल्हे पे। तो कढ़ी हमारी बन रही है, बस थोड़ी देर तक बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर बना रहे हैं हम पकौड़ों का मसाला, बेसन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज, लाल मिर्च डाल दिए, नमक डाल देते हैं। बस नमक थोड़ा डालो, चाट मसाला डालोगे ना, चाट मसाले में भी नमक होता है। चाट मसाला बस, और डाल देंगे इसमें मीठा सोडा, मीठा सोडा कितना डालना, सही बस, ज़्यादा नहीं डालना, बस ज़्यादा डालो ना फिर सारा ऑयल पी जाते हैं पकौड़ा सारा। अब इसको यार को कड़ी में ना गिर जाइए, चलो बस ये मिक्स करके रख देते हैं आधे घंटे तक, फिर बना लेते हैं पकौड़े। और तड़का कुटी हुई मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस बस बहुत है, पता है कि बहुत कड़वी होती है। कड़ी हमारी बन चुकी है, तब लगा देते हैं तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल लेते हैं, डाल देते हैं लहसुन, ये है जीरा, ये है कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कड़ी हो गई हमारी तैयार, तड़का भी लग गया। हम अच्छा पकौड़े बना लेते हैं, पकौड़े डाल लेते हैं ऐसे। दरअसल ना इसलिए ऐसी रखी है थोड़ी पतली कि मतलब पकौड़े डालेंगे ना फिर ये गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि पकौड़े डालने से पकौड़े सारी कड़ी पी जाते हैं। तो पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं, तो पकौड़े बन जाएंगे तो फिर ना डालते जाएंगे साथ साथ, फिर पकौड़े बाहर रख लेंगे। चले फिर थोड़ी देर बाद में पकौड़े माशाल्लाह से सारे बन चुके हैं, कोई डाल दिए मैंने कड़ी में, और ये जो पकौड़े हैं ना आखिरी ये रखूँगी प्लेट में, क्योंकि कोई बंदा ऐसा भी होता है बीच में जो पकौड़े सिर्फ ये वाले खाता है और कड़ी वाले नहीं खाते, जिसने कड़ी वाले खा लेंगे वो खा लेगा और ना जो ये खाना चाहेगा ये खा लेगा। तो कड़ी हमारी हो चुकी है कम्प्लीट, तो अभी मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चूल्हा कर देती हूँ बंद, कड़ी दिखाती हूँ आपको। तीन हरी मिर्च डाल दी मैंने, चलिए डिश ऑफ करती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये पकौड़ा ढक देती हूँ, कड़ी माशाल्लाह से हो चुकी है हमारी तैयार, देख सकते हैं आप शॉक कर लिया मैंने, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है और पकौड़े भी बन चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चले फिर कहते हैं तीसरा काट धो के वाश करके रखा हुआ है धनिया मैंने, तो धनिया भी डाल दिया, तो आप देख सकते हैं